हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मेथी की टेस्टी सब्जी। इसके लिए मैंने किया कि जो हमें हरी मेथी मिलती है ना बाज़ार में नॉर्मल मेथी, वो हमने लिया है, उसको साफ़ कर लिया है। मैंने किया कि मेथी का जो डंडा होता है ना पीछे वाला, उसको निकाल दिया और आगे वाला जो पोर्शन होता है हरा पोर्शन, उसको मैंने काट लिया है। अच्छे से धो लिया है मेथी को, और इस तरह से देखिए बारीक बारीक मैंने काट लिया है। अब हम इसको पकाएंगे। इसके पकाने के लिए क्या किया, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, और तेल और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। साइड बाय साइड मैंने क्या किया, दो आलू बड़े साइज़ के आलू लिए, उनको छील के काट लिया। ये देखिए इस तरह से बड़े पीसेस में काटेंगे आलू को थोड़ा हम। उसके बाद हमने हरी मिर्च भी काट ली। अब हमारा जो तेल हमने जीरा चढ़ा रखा गैस पे, उस कढ़ाई में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, हरी मिर्चें जो काट कर डाली वो डालेंगे, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। बस इन मसालों को हम हल्का सा पकने देंगे तेल में। जैसे ही हमारे हल्के से ब्राउन होंगे, रेडिश हो जाएंगे, तो हमने क्या करना, जो आलू काट के रखे हैं वो मिक्स कर देंगे। आलू मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे, और हमने क्या करना है, इसको पकाना है तब तक कि आलू थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए। इसको लगभग हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। इस टाइम में हमारे जो आलू है वो आधे पक जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारी जो मेथी है वो इजीली पक जाती है आलू के मुकाबले, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले आलू को पकाएंगे। इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा नमक डाल दिया आलू में, और अच्छे से मिला के इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर ढक कर, मीडियम या लो फ्लेम पर, बीच में आप कर सकते हैं 2 मिनट बाद मीडियम पर करके लो पे कर दीजिए, और इस तरह से ढक के इसको पकाना है। इससे क्या हो जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा और हमारे जो आलू हैं वो पक जाएंगे अंदर से। उसके बाद हम इसमें मेथी डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इस आलू का ऐसे पकाना है, ढक के अच्छे से चला दिए। मैं देखिए अच्छे से चला दिया ताकि जो हम मसाले की कोटिंग है वो आलू पे आ जाए, नमक की कोटिंग आलू पे आ जाए। अब इसको ढकेंगे हम और इसको पकाएंगे। तब तक साइड बाय साइड हम जो आलू मेथी रख रखा है उसको हम देखेंगे, इसमें पानी तो नहीं है, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी अगर होगा तो हमारी जो मेथी है वो कड़वी कर देगी सब्जी को, इसलिए हमने क्या करना है, उसको अच्छे से पानी निकाल दिया। हमारे आलू जो है पक चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो मेथी हमने काट के रखी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। मेथी को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिलाएंगे आलू के साथ, और हमने नमक तो डाला था आलू के हिसाब से, हम हल्का सा नमक और डालेंगे ताकि जो नमक है वो हमारी मेथी के अंदर भी अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, उसका टेस्ट जो है वो और अच्छा लगे। और हल्का सा मैंने क्या किया, लाल मिर्च पाउडर भी साथ साथ डाल दिया ताकि थोड़ा चटपटा फ्लेवर आए। ये देखिए इस तरीके से, उसके बाद मिलाया मैंने इसको, और इसको मैं क्या करूँगी, 4 से 5 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर फिर से ढक के पकाऊँगी ताकि जो मेथी है वो पक जाए। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाता है तो ये जो है सब्ज़ी हमारी कड़वी हो सकती है। इसलिए मेथी को आप साफ़ करने के बाद अच्छे से धो के ही काटें, और पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू जो हैं वो भी पक चुके हैं। अब हमें क्या करना है, 2 मिनट और पकाएंगे इसको हम हाई फ्लेम पे, हाई मीडियम फ्लेम पे। इस तरीके से पकने के बाद हमने क्या करना है, हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। इसमें आप चाहे तो स्वाद के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर या फिर गरम मसाला जो आता है ना वो आप डाल सकते हैं। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जो मेरे पास पड़ा हुआ था पिसा हुआ, वो मैंने थोड़ा सा डाला है। उस पहले देखिए मैंने चेक कर लिया दोबारा कि हमारे आलू जो है वो अब प्रॉपरली पक चुके हैं, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। बस इसमें टेस्ट के लिए हम थोड़ा सा गरम मसाला या फिर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। मैंने क्या किया, गरम मसाला इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। ये देखिए जो गरम मसाला है, सब्ज़ी रेडी है, गरम मसाला लिया मैंने, थोड़ा सा गरम मसाला इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया और अच्छे से मिला दिया इसको स्प्रिंकल करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो मेथी की सब्ज़ी, इसमें खास बात में ये ध्यान रहा है कि मेथी का जो पानी है और मेथी का जो साग का जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो टाइट जो पोर्शन होता है वो हमें नहीं मिक्स करना, अदरवाइज हमारी सब्ज़ी जो है कड़वी हो सकती है। इसलिए उसको अच्छे से निकालें और इस तरह से रेडी करें। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है।